नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। बिहार यूपी बॉर्डर पर सुबह छापा, छपरा से आई आयकर विभाग की टीम द्वारा बिना जीएसटी वाले माल वाहनों की जांच की गई, जिसमें 3 माल वाहनों को बिना जीएसटी के कारण जब्त कर लिया गया है। जांच के दायरे में छोटे छोटे वैसे व्यापारी भी घिरे हुए गए हैं जो 1000-2000 के सामान लिए थे, परंतु उनके पास कोई कागजात नहीं था। हालांकि जीएसटी बिल लाने के बाद पदाधिकारियों ने उन्हें छोड़ दिया। इस दौरान शहर में हड़कंप मच गया। पदाधिकारियों को सूचना थी कि यूपी से बिस्किट, कुरकुरे, कॉस्मेटिक और हार्डवेयर, करू तेल काफ़ी मात्रा में सामान मैरवा आता है और यहां के सिवान, छपरा, गोपालगंज तक बिना कागजात का माल सप्लाई किया जाता है, जिससे प्रदेश सरकार का आयकर लाखों में प्रभावित होता है। साथ ही स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर परेशान रहते हैं। काफ़ी शिकायतों के बाद विभाग का ध्यान इधर गया और रविवार को जांच की गई। आयकर टीम ने गुठनी मोड़ के समीप वीआईपी बिल्डिंग के सामने ही गोपालगंज जा रहे एक पाइप लदे वाहन को अवैध कागजात के आरोप में जब्त करा, मैरवा थाना के हवाले कर दिया गया है। वहीं यूपी से आ रहे बिस्किट का वाहन और एक अन्य ट्रांसपोर्ट के वाहन को जब्त कर अधिकारी अपने साथ सिवान लेकर चले गए। मैरवा से राजू कुमार की रिपोर्ट।